किशोर कुमार गानों में आज भी जिंदा हैं। आज भी लोग किशोर कुमार के गानों को गुनगुनाते हैं। किशोर कुमार के गाने तमाम गायकों के लिए रोजी रोटी का जरिया बन चुके हैं। गानों के माध्यम से अमर हुए गायक किशोर कुमार की याद में गाने गाए गए। किशोर कुमार संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह थे। किशोर कुमार भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी बरकरार हैं। किशोर कुमार की याद में अर्जुन नगर में संगीत में कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थीं। सभी ने किशोर कुमार के गाने गुनगुनाए। किशोर कुमार ने वर्ष 1940 से वर्ष 1980 के बीच करीब 574 से अधिक गाने गाए। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ ही तमिल, मराठी, आसामी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया फिल्मों के लिए भी गीत गाए। किशोर कुमार के गाए हुए गाने को गाकर आज भी तमाम गायक धमाल मचाए हुए हैं। आज ये कार्यक्रम किशोर कुमार की याद में, किशोर कुमार के जन्मदिन 4 तारीख को जन्मदिन था, आज उसकी याद में हम सब टीचरों ने ये कार्यक्रम रखा है। ये इतनी परेशानियां जो जीवन में हैं हम लोगों के, सब इतना काम, एक शांति के पल बिताने के लिए उनकी याद में आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके गाने सदाबहार गानों में शुमार हैं और बहुत याद आते हैं। सदाबहार गीत है उनके, रोमांटिक सॉन्ग, दर्द भरे गीत, सब कुछ। और आज फ्रेंडशिप डे भी है तो सभी साथी शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हैं और किशोर कुमार की याद में ये प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत से उनके प्रोग्राम होते हैं और विदेश में भी बहुत मशहूर। उनका किरदार छूना बहुत ही, समझ लो, सूरज को दीपक दिखाने के समान है। आज बहुत से कलाकार आज उनकी कॉपी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। ये एक किशोर कुमार जी की याद में बहुत बड़ा सम्मान है जो कलाकार ने कर। कितने याद आते हैं आप? हमें बहुत याद आते हैं। आज शायद किशोर कुमार आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनके गाने हम लोग सुनते हैं तो हमें उनकी बहुत याद आती है। किशोर कुमार भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गानों के रूप में आज भी हमारे बीच जीवित हैं। गानों के माध्यम से किशोर कुमार ने ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सी न्यूज के लिए राकेश कन्नौजिया की रिपोर्ट।